सभी छात्रों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज एक बार फिर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से विधि प्रथम वर्ष के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को अपन डिस्कस करेंगे और इसमें आज अपन चर्चा करेंगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, इस प्राधिकरण की स्थापना के पीछे निहित उद्देश्यों या इस प्राधिकरण में काम करने वाले कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट या इस प्राधिकरण की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य अधिकारी गण और स्टाफ के संबंध में अपन आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ अपन सेक्शन 10 से लेकर 12 तक मोटे तौर पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ सेक्शन 10 में जो है वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना या संस्थापन के बारे में है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के इस सेक्शन में जो बात महत्वपूर्ण है वो है कि केंद्र सरकार को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की शक्ति है। तो इस संबंध में पहला जो सबसेक्शन है वो क्या प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से उस तिथि से प्रभाव के साथ जैसी अधिसूचना में विहित की जाए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन, अनुचित व्यापार वृत्ति, मिथ्या और भ्रामक विज्ञापनों जो लोगों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिकूल हितों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण से संबंधित मामलों को विनियमित करने एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों को श्रेणी के रूप में संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन के लिए स्थापित करेगी, जो केंद्रीय प्राधिकरण कहा जाएगा। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस संस्था के उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन, अनुचित व्यापार वृत्ति पर रोक लगाने, मिथ्या और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए जिस संस्था को गठित करेगी या उनके अधिकारों को कल्टीवेट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए जिस संस्था की स्थापना करेगी वो संस्था केंद्रीय प्राधिकरण कहलाएगी। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की गठन की शक्ति जो है वो ये सेक्शन जो है वो केंद्र सरकार को प्रदान करती है। दूसरे सबसेक्शन 2 में जो बात डिस्कस की गई है वो क्या है, वो चर्चा का मुद्दा है इस प्राधिकरण में जो कमिश्नर्स होंगे उनके संबंध में। तो देखो, इस सबसेक्शन में ये चर्चा की गई केंद्रीय प्राधिकरण मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों के ऐसे सदस्यों से संयोजित होगा जैसा विहित किया जाए। मतलब एक चीफ कमिश्नर होंगे और बाकी अन्य कमिश्नर होंगे जिनकी संख्या इस सेक्शन में डिसाइड नहीं की गई है। केंद्र सरकार की ओर से इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के उपयोग एवं कार्य विधि के निर्वाह से उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए, केंद्र सरकार अलग से अधिनियम बनाकर जो शक्तियां और उपयोग या कार्य इनको सौंपेंगे उन कार्यों के निर्वहन को इन कमिश्नर्स को करना पड़ेगा इस प्राधिकरण के अधीन रहकर। तीसरा जो सबसेक्शन है वो इस संस्था के मुख्यालय की बात करता है। तो देखो, इस संबंध में सेक्शन 10 की उपधारा 3 ये कहती है कि केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन NCR फील्ड में कहीं भी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे स्थान पर होगा जैसा केंद्र सरकार निश्चित करे। तो नेशनल कैपिटल रीजन में पड़ने वाले फील्ड में कहीं भी इसकी स्थापना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है और भारत में किसी अन्य स्थान पर इसकी किसी रीजनल ऑफिस या कार्यालय की स्थापना केंद्र सरकार कर सकेगी। तो देखो, अधिसूचना द्वारा सेक्शन 10 में क्या है, अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी और ये गठन उस तिथि से प्रभाव में आएगा जो राजपत्र में केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करेगी। दूसरा, इसमें मुख्य कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स होंगे जो उन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे या उन कार्यों को संपादित करेंगे जो केंद्र सरकार समय समय पर कानून के माध्यम से उन्हें विहित करेगी। और तीसरा, इस प्राधिकरण का जो ऑफिस है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है और इसके अलावा देश के किसी भी हिस्से में इसके रीजनल ऑफिस जो है वो केंद्र सरकार स्थापित कर सकती है। यहाँ
देखिए, अगली जो बात अपन चर्चा करेंगे यहाँ वो है सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 में इन कमिश्नर्स की योग्यताओं और भर्ती आदि के संबंध में कुछ मार्गदर्शन दिया गया है, और वो एक केंद्र सरकार अधिसूचना या गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। तो देखो, ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन के जरिए इनकी नियुक्ति होगी। भर्ती की विधि, प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, बर्खास्तगी तथा सेवा शर्तों एवं इनकी सेवाओं पर लगने वाले निबंधन या प्रतिबंधों के बारे में प्रावधान के लिए नियम बनाने की शक्ति भी केंद्र सरकार को ही है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है जो अधिसूचना के माध्यम से इन कमिश्नर्स की नियुक्ति करेगी, उनकी विधि की प्रक्रिया क्या होगी, वेतन, भत्ते, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, सेवा शर्तें या सेवा के ऊपर निबंधन जो है वो क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 11 के तहत डिसाइड की जाएंगी। फिर सेक्शन 12 में जो बात डिस्कस की गई है वो है रिक्त आदि। अगर इस प्राधिकरण में कोई पोस्ट खाली है, वो मुख्य आयुक्त की है या अन्य किसी आयुक्त की है, तो उसका इस प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कहने का मतलब कोई पोस्ट खाली है और इस दौरान इस अथॉरिटी द्वारा या प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो क्या उसे अवैध माना जाएगा। इस संबंध में देखो, सेक्शन 12 का जो टाइटल है वो अपने आप में सारी बात को एक्सप्लेन करने वाला है। ये टाइटल इस प्रकार है, रिक्त आदि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्यवाही को विधि अमान्य नहीं किया जाना। केंद्रीय प्राधिकरण का कोई कृत्य अथवा कार्यवाही मात्र इस कारण से विधि अमान्य या विधि विरुद्ध नहीं मानी जाएगी कि फर्स्ट जो है वो है, केंद्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्तता अथवा गठन में कोई करार। तो ये देखो, गठन में किसी प्रकार का करार या एग्रीमेंट, या इस प्राधिकरण में किसी कमिश्नर की पोस्ट का खाली होना, ये इस प्राधिकरण के कार्य को अवैध नहीं बना देता है। दूसरा, मुख्य आयुक्त के रूप में अथवा आयुक्त के रूप में कार्यरत व्यक्ति की नियुक्ति में कोई कमी, अगर बाय फॉल्ट चीफ कमिश्नर या अदर कमिश्नर की नियुक्ति में किसी प्रकार की कमी रह जाती है और इस कमी के रहते हुए किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है और वो जो इस प्राधिकरण के अधीन काम करेगा, तो उस कार्य को अवैध नहीं बनाया जाएगा, उस नियुक्ति के लिए उसे अवैधता का आधार बनाया जा सकता है। तीसरा जो इसमें पार्ट बनता है वो है, प्रकरण की पात्रता को प्रभावित न करने की केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता। अगर इस केंद्रीय प्राधिकरण की अपनी इंटरनल मैकेनिज्म में या इसकी कार्य प्रणाली में किसी प्रकार की अनियमितता रह जाती है तो इस वजह से इस प्राधिकरण के कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 13 में देखिए, केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, विशेषज्ञों, व्यवसायिकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। देखो, प्राधिकरण में कमिश्नर्स के अलावा जो है वो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी है। इस संबंध में देखो, सेक्शन 13 का जो पहला सबसेक्शन है वो क्या कहता है, केंद्र सरकार केंद्रीय प्राधिकरण को अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के ऐसे सदस्य प्रदान करेगी जैसा वह इस अधिनियम के अंतर्गत उसके प्रभावी कार्य निर्वाह के लिए आवश्यक समझे। कहने का मतलब, ऐसे अधिकारी या प्रोफेशनल्स जो है वो इस प्राधिकरण को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनका उपलब्ध करवाया जाना केंद्र सरकार की दृष्टि में उचित है। सेक्शन 13 का दूसरा पार्ट या सबसेक्शन ये कहता है कि केंद्रीय प्राधिकरण के इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते, भुगतानीय सेवा के अन्य निबंध एवं शर्तें वैसी होंगी जैसी वो विहित करें। कहने का मतलब, कमिश्नर्स की तरह इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते या इन पर किसी प्रकार का यदि रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध या चेक है तो इन सबको डिसाइड करने का पावर ये सबसेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। तीसरा जो सबसेक्शन है वो ये कहता है कि केंद्रीय प्राधिकरण नियमों से विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप निष्ठा तथा क्षमता के ऐसे विशेषज्ञों तथा व्यवसायिकों को नियोजित कर सकेगा जिनके पास उपभोक्ता अधिकारों एवं कल्याण, उपभोक्ता निधि विधि,
औषधि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, उत्पाद सुरक्षा, आर्थिक, सार्वजनिक मामलात अथवा प्रशासन में ज्ञान एवं अनुभव है, जैसा वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन में आवश्यक समझे। तो देखिए, कुछ विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जिन क्षेत्रों से इस उपधारा के अधीन लोगों को केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में नियुक्ति दे सकती है, वो फील्ड कौन-कौन से हो सकते हैं, तो या तो उनके पास उपभोक्ता अधिकारों एवं कल्याण से संबंधित कोई एक्सपीरियंस हो, या कंज्यूमर्स के मामले में किसी प्रकार की कोई विशेष पॉलिसी फ्रेम करने का एक्सपीरियंस उनके पास है, या फिर विधि के क्षेत्र में उनके पास कोई अच्छा ज्ञान है, या मेडिसिन के फील्ड में कोई अच्छा ज्ञान है, या फिर खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी के मामले में उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, या हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज में एक्सपीरियंस है, या इंजीनियरिंग उत्पाद सुरक्षा से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है, आर्थिक और सार्वजनिक मामलों में किसी प्रकार का अनुभव है, या प्रशासनिक ज्ञान से संबंधित तजुर्बा कोई व्यक्ति रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों को एज ए एक्सपर्ट केंद्र सरकार जो है वो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में अपॉइंटमेंट दे सकती है, देगी। उनके ज्ञान और अनुभव के मामले में कितने लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा ये केंद्र सरकार की मंशा पर ही निर्भर करता है। तो ये बात आप यहाँ उपधारा 3 में देखेंगे। ये मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो सेक्शन 10, 11 और 12 में अपने डिस्कस की है। इस प्रकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में कुछ सुपरफिशियल बातें इस वीडियो में अपने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।